राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पाठ्यक्रम संख्या 502 के अंतर्गत जांच सूची एवं निर्धारण मापने के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम जांच सूची के बारे में जानते हैं कि जांच सूची होती क्या है। जिस उपकरण की सहायता से किसी छात्र या व्यक्ति में उपस्थित एवं अनुपस्थित गुणों या व्यवहारों के बारे में जानकारी या आंकड़े एकत्रित करते हैं उसे जांच सूची कहते हैं। जांच सूची में कुछ गुण या कथन दिए हुए होते हैं। निर्धारक यानी जिसको हम रेटर कहते हैं, जो जांच करता है, दिए गए गुणों के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया सही या गलत अथवा हाँ या नहीं के रूप में देता है। निर्धारक के द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर व्यक्ति या छात्र में उपस्थित तथा अनुपस्थित गुणों या व्यवहारों या योग्यताओं का मापन किया जाता है। आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आप शिक्षक हैं और आपको कक्षा नायक का चुनाव करना है, तो निश्चित तौर पर आप ऐसे छात्रों को कक्षा नायक बनाना चाहेंगे जो सामाजिक हो, ईमानदार हो, सहयोगी हो, साहसी हो, समय का पाबंद हो, नेतृत्वशील हो और उसमें संप्रेषण की अच्छी क्षमता हो। आप ऐसे छात्र को कदापि छात्र नायक के रूप में नहीं देखना चाहेंगे जो झगड़ालू हो, शंकालु हो, आक्रामक हो, चोर हो, शर्मिला हो और जिसकी संप्रेषण क्षमता अच्छी नहीं हो। तो लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि आप ये पता कैसे लगाएं कि इस छात्र में ये गुण हैं और अमुक छात्र में ये गुण नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या किया, आपने एक गुणों की सूची बनाई। ये गुण हो सकते हैं जैसे सामाजिकता, ईमानदारी, सहयोग, समय का पाबंद, साहसी, नेतृत्वशीलता, ये सकारात्मक गुण हुए। उसके बाद कुछ नकारात्मक गुणों की आपने सूची बनाई, जैसे झगड़ालू, शंकालु, आक्रामक, चोर, शर्मिला। अब आपने छात्र के जो साथी छात्र हैं उनसे कहा कि आप हमें ये बताइए कि दी गई सूची में कौन कौन से गुण इस छात्र में उपस्थित हैं, उस पर टिक लगाइए। अब जो साथी छात्र हैं अपने अनुभवों के आधार पर उपस्थित गुणों के बारे में टिक लगाएंगे। जैसे यदि वो ईमानदार है तो ईमानदार पर टिक लगा देंगे, छात्र साहसी है तो साहसी पर चित्र लगा देंगे, कोई छात्र झगड़ालू है तो झगड़ालू पर टिक लगा देंगे। कहने का मतलब ये है, आपको पता चल जाएगा जांच सूची के माध्यम से कि ये छात्र में ये गुण हैं और ये गुण नहीं है। तब आपको यह निर्णय करने में एक बहुत आसानी होगी कि कौन से छात्र में कौन से गुण उपस्थित हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम जो है जांच सूची कहते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा जांच सूची क्या है। लेकिन अगला प्रश्न उठता है कि जांच सूची का प्रशासन कैसे करें। जांच सूची का प्रशासन आप व्यक्तिगत रूप से कभी कर सकते हैं और सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं। और अधिकतर जो जांच सूची का जो अंकन होता है वो गुणात्मक पदों में होता है, क्योंकि प्रतिक्रिया जो है या तो सही या गलत के रूप में दी जाती है, या हाँ या नहीं के रूप में दी जाती है, या उपस्थित या अनुपस्थित के रूप में दी जाती है, क्योंकि ये सारे जो पद हैं ये गुणात्मक पद का घोतक हैं। अब हम समझते हैं, चर्चा करते हैं कि जांच सूची के लिए, जांच सूची के एक टीचर के लिए क्या लाभ है। जैसा कि आप जानते हैं, छात्र न केवल भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करते हैं, वरन प्रत्येक छात्र का सोचने का तरीका एक अलग होता है। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने विद्यालय में किसी नाटक का आयोजन किया, नाटक की विभिन्न भूमिकाओं के आधार पर गुणों की एक सूची तैयार की और प्रत्येक छात्र से नाटक के नायक में उन्होंने क्या क्या गुण देखे हैं, क्या क्या गुण उन्होंने परसीव किए हैं, प्रदर्शित किए हैं, उनके लिए एक जांच सूची तैयार कर दी। और जांच सूची से छात्रों के नाटक के बारे में व्यक्तिगत सोच विचारधारा का आकलन करने का आपने फैसला किया। तो अब प्रत्येक छात्र का अपना सोचने का तरीका अलग है, प्रत्येक छात्र ने नायक में क्या देखा उस हिसाब से वो जो है दी गई सूची पे टिक लगाएंगे। जिस छात्र ने साहसता का गुण प्रदर्शन किया होगा वो साहसता भी लगाएगा, जिस छात्र ने संवेगात्मक गुण परसीव किया होगा वो संवेगात्मक पे लगाएगा। व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत परसेप्शन आप विद्यार्थियों का जान सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जांच सूची शिक्षक के लिए निर्देशन एवं परामर्श देने में बहुत ही उपयोगी है। कैसे उपयोगी है, आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि माना जांच सूची के द्वारा आपने पाया कि अमुक छात्र में आक्रामकता है, वो झगड़ालू है, बार बार झगड़ा करता है, तो ये आपके लिए समस्या है क्योंकि इससे पूरी कक्षा बाधित हो रही है, व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो जांच सूची के माध्यम से आप जान लेंगे कि इस छात्र में झगड़ालू का गुण ज्यादा है, ये शंकालू ज्यादा है, ये समायोजित नहीं हो पाता, ये ठीक से बात नहीं कर पाता है। तो उस छात्र को आप व्यक्तिगत रूप से उन समस्याओं का समाधान देने के लिए आप निर्देशन एवं परामर्श दे सकते हैं, ताकि उसके व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष का विकास किया जा सके। तो ये जांच सूची के शिक्षक के लिए लाभ है। लेकिन
क्या आपने सोचा कि जांच सूची में एक कमी है? अगर नहीं समझ पाए तो मैं बता देता हूँ। जांच सूची से ये तो पता चल जाता है कि व्यक्ति में कौन से गुण उपस्थित हैं और कौन से गुण नहीं हैं। उपस्थित गुणों और अनुपस्थित गुणों के बारे में आप जांच कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं जान पाते कि जो उपस्थित गुण है वो कितनी मात्रा में है, ज्यादा में है या कम है। शर्मिला तो लगभग सभी होते हैं, लेकिन किसी में शर्म ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। बोलते तो सभी हैं, कोई अच्छा बोलता है, कोई थोड़ा कम अच्छा बोलता है, तो ये मात्रा नहीं पता चलती। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम जो है निर्धारण मापनी का प्रयोग करें। जब हमको किसी गुण की मात्रा जाननी हो तो निर्धारण मापनी का प्रयोग करें, लेकिन पहले ये तो समझ लेते हैं कि निर्धारण मापनी होती क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालय में आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे माता पिता पूछते हैं कि सर मेरी बच्चा गणित में कैसा है, आप कहते हैं अच्छा या बुरा है, जैसा भी आप बताते हैं। मेरी पुत्री डांस अच्छा करती है क्या सर, क्या वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सही तरीके से भाग लेती है, तो उसका आप गुणवत्ता बताते हैं कि सही तरीके से लेती है या थोड़ी परेशानी है या इसकी सहभागिता अच्छी नहीं है, आप ऐसे गुणात्मक पदों में उसको बनाते हैं। तो जाने अनजाने में आप जो है एक वर्ग मापनी जो अच्छे से लेकर बुरी तक फैली हुई है पर विभिन्न गुणों की मात्रा का निर्धारण कर रहे होते हैं, इसे ही हम निर्धारण मापनी कहते हैं। आइए समझते हैं कि निर्धारण मापनी है क्या। निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति या छात्रों उपस्थित गुणों की मात्रा, तीव्रता, बारंबारता आदि को निर्धारित करने का एक ऐसा उपकरण है जिसमें निर्धारक एक वर्ग मापनी पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। ये 5 बिंदु पैमाना ये भी हो सकता है, जैसे उत्कृष्ट, अच्छा, औसत, बुरा, बहुत बुरा। जैसा आप प्रतिक्षण करते हैं उस हिसाब से आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अब समझते हैं कि निर्धारण मापनी का प्रयोग क्यों करें। निर्धारण मापनी का प्रयोग सामान्यतः यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति विशेष या छात्र अपने साथियों या परिचितों या जिनके मध्य में रहता है, जिनके साथ अधिक समय व्यतीत करता है आदि, उसके प्रति कैसी छवि रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं, समूह में वह कैसी छाप छोड़ रहा है। और ये व्यक्ति होते हैं आपके अध्यापक हो सकता है, कोई सहयोगी हो सकता है, कोई छात्र हो सकता है, आपके माता पिता हो सकता है, जो आपके बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं। निर्धारण मापनी के प्रकारों के बारे में आप जानते हैं। निर्धारण मापनी निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 आंकिक निर्धारण मापनी, नंबर 2 आकृतिक निर्धारण मापनी, नंबर 3 क्रम निर्धारण मापनी, नंबर 4 बाह्य निर्धारण मापनी। आइए एक एक करके समझते हैं। आंकिक निर्धारण मापनी आंकड़े संकलन की एक ऐसी मापनी है जिसमें कुछ कथन दिए हुए होते हैं। निर्धारक अपनी प्रतिक्रिया या सहमति व असहमति की मात्रा को कुछ अंकों के रूप में प्रकट करता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझें। जैसा कि आपने राजेश के साथी छात्रों से राजेश के बारे में पूछा, राजेश क्या राजेश एक बुद्धिमान छात्र है, तो आपने 1 से लेकर 5 तक फैली हुई प्रतिक्रियाओं पर रेटिंग करने के लिए कहा। ये वर्ग मापनी है, फैली हुई है 1 से लेकर 5 तक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें से किसी एक वर्ग मापनी का चुनाव वो करेंगे, तो मान लीजिए राजेश के बारे में 4 पर टिक किया गया, तो पता चल जाएगा कि राजेश की बुद्धिमता की जो स्थिति है वो कैसी है। लेकिन इस आंकिक मापनी में एक कमी है। वो कमी क्या है कि कभी कभी अंकों का अर्थ समझने में जो उत्तर दे रहा है उसको कन्फ्यूजन होता है, जिसके कारण गलत प्रतिक्रिया देने की संभावना रहती है, क्योंकि कोई तो 5 का अर्थ समझ जाए, कोई 5 का अर्थ क्या लगाएगा, 4 का अर्थ क्या समझेगा, कुछ पता नहीं है। दूसरे अंकों की एक परिभाषा बना लेनी चाहिए, जैसे 5 का मतलब बहुत अधिक हो सकता है, 4 का मतलब अधिक हो सकता है, 3 का मतलब सामान्य हो सकता है, 2 का मतलब कम हो सकता है, 1 का मतलब निम्नतम हो सकता है। अगली निर्धारण मापनी है आंकिक निर्धारण मापनी। आंकिक निर्धारण मापनी वह मापनी है जिसमें कुछ कथन या गुण दिए हुए होते हैं। निर्धारक को अपनी सहमति या असहमति की अभ्यक्ति अंकों के रूप में नहीं देनी होती, वरन कुछ वर्णात्मक संकेतों के रूप में देनी होती है। आइए समझते हैं। यदि किसी शिक्षक से विद्यालय प्रधानाचार्य के निम्न गुणों के बारे में पूछा जाए तो वह अपने अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया कुछ वर्णात्मक संकेतों के रूप में देगा। जैसे आपने 4 गुण बनाए, संप्रेषण, प्रबंधन, नेतृत्वशीलता और समयबद्धता, और आपसे कहा कि 5 बिंदु पैमाने पर फैली हुई जो मापनी है, जैसे बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक ठाक, खराब, बहुत खराब, एक कोई एक जैसा आप समझते हैं किसी एक पर आप टिक करके बताइए। जैसे संप्रेषण कैसा है, किसी ने कहा अच्छा है। प्रबंधन कैसा है, कोई कह सकता है बहुत अच्छा है। आपने पूछा नेतृत्वशीलता कैसी है, कोई कह सकता है बहुत खराब है। समयबद्धता कैसी है, ठीक ठाक है, संतोषजनक है। तो इस तरह से आप वर्णनात्मक कुछ पद होते हैं
उस वर्ग मापनी पे किसी एक पर टिक करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो पता चल जाता है कि उसमें जो गुण उपस्थित है उसकी मात्रा कितनी है। अगली जो निर्धारण मापनी है वह क्रम निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी वह मापनी है जो ये बताती है कि व्यक्ति में सूचीबद्ध गुण किस मात्रा में उपस्थित हैं। निर्धारक गुणों के संदर्भ में अपना निर्णय नहीं देता वरन उपस्थित गुणों का एक क्रम निर्धारित करके अपनी प्रतिक्रिया देता है। क्रम निर्धारण मापनी से छात्रों के गुणों की सापेक्ष स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि छात्र में जो गुण सर्वाधिक मात्रा हो उसे क्रम एक, उससे कम गुण को क्रम दो तथा उससे कम गुण को क्रम तीन एवं इसी क्रम का अनुसरण करते हुए बचे हुए गुणों के लिए क्रम निर्धारण किया जाता है। अध्यापक से प्रधानाचार्य के निम्न गुणों का क्रम प्रदान करने के लिए आपसे पूछा, आपने 7 गुण बनाए। ये गुण हैं न्यायप्रिय, कर्तव्य परायण, अनुशासित, सज्जन, नैतिक, आक्रामक, झगड़ालू। प्रधानाचार्य में जो गुण उपस्थित हैं उनका क्रम बनाने के लिए कहा, तो मान लीजिए अध्यापक ने सज्जनता को क्रम नंबर 1 दिया, नैतिकता को क्रम नंबर 2 दिया, इसी तरीके से अन्य गुणों को क्रम देते हुए चलाए और 7वें गुण को क्रम 7 दिया, तो इससे पता चल गया कि संकालु जो 7वें नंबर पर है उसको क्रम नंबर 7 दिया गया है, इसका मतलब वो सबसे कम मात्रा में है, और सज्जनता को क्रम नंबर 1 दिया गया है वो सबसे अधिक मात्रा में। अगली मापनी है बाध्य चयन निर्धारण मापनी। बाध्य चयन निर्धारण मापनी आंकड़े संकलन की वह मापनी है जिसमें कथन या गुण के संदर्भ में 2 या 2 से अधिक विकल्प दिए हुए होते हैं। निर्धारक को दिए गए विकल्पों में से गुण के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना होता है, क्योंकि निर्धारक दिए गए विकल्पों से ही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनने के लिए बाध्य होता है, इसलिए बाध्य चयन निर्धारण मापनी को बाध्य चयन निर्धारण मापनी कहा जाता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि राम के पिता से पूछा जाए कि राम अवकाश के समय में क्या करना पसंद करता है, इसके लिए आपने 4 विकल्प तैयार किए, आ खेलना, ब अध्ययन करना, स पर्यटन करना, द व्यायाम करना, क्योंकि राम के पिता दिए गए 4 विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प पर टिक करने के लिए बाध्य हैं, इसलिए ये बाध्य चयन निर्धारण मापनी है। अब राम के पिता ने मान लीजिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प ब को चुना, यानी वो है अध्ययन करना, तो इससे पता चल गया कि राम जो है अवकाश के समय में अध्ययन करता है। तो आपने जाना कि निर्धारण मापनी क्या होती है, क्या इसके प्रकार हैं, लेकिन निर्धारण मापनी में कुछ गलतियां होने की संभावना है। पहली गलती होती है प्रवेश प्रभाव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेलो इफेक्ट। जब निर्धारक किसी व्यक्ति के अनुकूल या प्रतिकूल गुण से इतना अधिक प्रभावित होता है कि अन्य गुणों या योग्यताओं का निर्धारण भी अनावश्यक रूप से सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। यदि कोई अध्यापक किसी छात्र से व्यक्तिगत संबंधों के कारण बहुत अधिक प्रसन्न है तो अनावश्यक रूप से सकारात्मक निर्धारण की संभावना रहती है। यदि वह नाखुश है तो नकारात्मक निर्धारण की संभावना रहती है, चाहे छात्र की वास्तविक योग्यता कुछ भी हो। जैसे किसी पसंदीदा छात्र की चित्रकारी को अनावश्यक रूप से उच्च निर्धारण कर देना, उसको एक्सीलेंट दे देना। दूसरे छात्र जिससे संबंध खराब है उसको निम्न निर्धारण कर देना, यानी बहुत खराब दे देना। तो ये व्यक्तिगत पसंद नापसंद जिसको हेलो इफेक्ट कहते हैं, उसके कारण भी रेटिंग जो है प्रभावित होती है, जहां से त्रुटि होने की संभावना होती है, सही आंकड़ों का संकलन हम नहीं कर पाते हैं। दूसरी होती है कठोरता की त्रुटि। जब व्यक्ति में सभी व्यक्तियों को उनके गुणों या योग्यताओं को अत्यधिक नीचा निर्धारण करने की प्रवृत्ति होती है तो उसे निर्धारण में कठोरता की त्रुटि कहते हैं। जैसे किसी छात्र की समयबद्धता को नीचा निर्धारण करना, जबकि छात्र अधिक समयबद्ध है, ये उसमें टेंडेंसी होती है, उसमें आदत होती है हर चीज को नीचा निर्धारण करना। अगली जो त्रुटि होने की संभावना होती है वो उदारता की त्रुटि होती है। जब निर्धारक में व्यक्ति या छात्र के गुणों को उदारता पूर्वक ऊंचा निर्धारण करने की आदत या प्रवृत्ति होती है तो इसे निर्धारण की उदारता त्रुटि कहते हैं। एक और त्रुटि है जिसे केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि कहते हैं। जब निर्धारक छात्रों के गुणों या योग्यताओं का निर्धारण बीचों बीच में करता है, अर्थात निर्धारण ना तो नीचे छोर पर ना ऊंचे छोर पर केंद्रित होता है, तो यह निर्धारण में होने वाले केंद्रीय त्रुटि का उदाहरण है। आप अपने अतीत के विद्यालय जीवन को याद करके देखिए तो पाएंगे कि कुछ शिक्षकों में ना तो ज्यादा अंक देने की प्रवृत्ति थी और ना कम अंक देने की प्रवृत्ति थी, वो बीचों बीच में रेटिंग करते थे, अंक प्रदान करते थे। जैसे छात्रों के निबंध लेखन पर 40-50% के बीच में अंक देना, चाहे बहुत अच्छा लिखा है वो 40-50% में के बीच में ही देंगे, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है फिर भी जो है 40-50 के बीच में अंक देने की संभावना रहती है, ये हैबिट होती है। तो इस तरह की त्रुटियां निर्धारण मापनी से
आंकड़ों के संकलन करते समय होने की संभावना रहती है। अब आइए इन त्रुटियों से बचने के लिए हम क्या क्या सावधानी बरतें। सबसे पहले तो हम जिनसे हम रेटिंग करा रहे हैं, जिनसे हम निर्धारण करा रहे हैं गुणों की, उनको स्पष्ट निर्देश दें कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इस उद्देश्य के साथ में हम निर्धारण करा रहे हैं, आपको इस तरीके से प्रतिक्रिया देनी है और आपको प्रतिक्रिया देने के दौरान व्यक्तिगत पसंद तथा नापसंद से मुक्त होकर देनी है, ताकि हम सही आंकड़े प्राप्त कर सकें और अपने उद्देश्यों की पूर्ति हम कर सकें। अच्छे निर्धारण के लिए अच्छा होगा कि जिन गुणों या व्यवहारों या योग्यताओं को हम निर्धारण करवा रहे हैं उनकी एक परिभाषा बना लें और उस परिभाषा को जिनसे हम निर्धारण करवा रहे हैं, जिनसे हम आंकड़े कलेक्ट करना चाहते हैं, उनको बता दें कि इस गुण का ये मतलब है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे ईमानदारी है। ईमानदारी की परिभाषा अलग अलग है। एक परिस्थिति में हम व्यक्ति को ईमानदार कहते हैं बल्कि दूसरी परिस्थिति में उसको जो है ईमानदार नहीं कहते। दूसरी है झूठ। झूठ किसे कहा जाए। झूठ की अलग अलग परिभाषाएं हैं। आप सत्यवादी हैं लेकिन आपने किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला है, तो कुछ लोग उसको जो है कहते हैं कि नहीं, इसने किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला है, इसको झूठ नहीं कह सकते, ये सत्य है क्योंकि किसी की जान बचाई है। तो अलग अलग लोगों का शब्दों के बारे में अलग अलग सोचना होता है। लेकिन क्योंकि आप एग्जामिनर हैं, परीक्षक हैं, आपकी क्या सोच है, आप किस उद्देश्य के साथ में आ रहे हैं, आपका उस शब्द से मतलब क्या है, इसकी एक निश्चित परिभाषा बना लें, ताकि जो रेट कर रहे हैं, जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उस शब्द का सही अर्थ समझ के उसका सही प्रतिक्रिया दें और सत्य आंकड़ों का संकलन आप कर सकें। आपने जो है आज के लेक्चर में आपने समझा जांच सूची क्या होती है, इसको कैसे प्रयोग किया जाए, निर्धारण मापनी क्या है, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं और इसका प्रयोग करते समय क्या क्या त्रुटि होने की संभावना है और इनसे कैसा बचा जाए, और छात्रों के जीवन में, दैनिक विद्यालय जीवन में जांच सूची एवं निर्धारण मापने का प्रयोग कौन कौन सी परिस्थितियों में करें, ये सारी चीजें आपने सीखी। मुझे उम्मीद है आप इन सारी चीजों को समझ गए होंगे।